हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अर्जुन भाई आपसे मुलाकात बड़े देर बाद हो रही है यार, कैसे आप? बहुत दिन हो गए। हमेशा ही 2017 में मिले थे हम लोग, पर इनको कभी भी मिल लो आप, इनकी पहली फिल्म देख लो, इनकी आज की फिल्म देख लो, ये इंसान ना कभी एक इंच कम ना कभी ज्यादा। पाजी आपने कोई महंगे कपड़े ले रखे हैं कि आपको डर है कि अगर मैं मोटा हो गया तो वो वेस्ट जाएंगे? इतना फिट कोई कैसे रह सकता है ऑल द टाइम? मैं अच्छा कैमोफ्लेज कर लेता हूं यार, एक्टर हूं ना। कुछ बताओ पाजी, हम तो रात को दो चपातियां खा ले, मुंह पे चार आ जाती सुबह। शारिब आप जिनको किस कर रहे हो आपको पता है कितनी खतरनाक चीज है, इसलिए दूर से कर रहे हो। आप तो दूर से फ्लाइंग किस कर ले, उन्होंने वहीं से वैक्यूम कर लेना आपको। अच्छा दिव्या, आज अर्जुन और शारिब के साथ आई हैं, पिछली बार जसपिंदर नूला जी और जस्सी पाजी के साथ आई थी, उससे पहले सुनिधि चौहान और संजय सूरी के साथ आई थी, ये इत्तफाक है या वेट करती दो लोग और मिले तो ऑटो शेयर करके आऊं मैं? नहीं मतलब मैं क्या बोलूं। मैंने हमेशा दिव्या जी को देखा है, हमेशा हर बार किसी ना किसी डिफरेंट रोल में। अच्छा आपको बहुत बहुत मुबारक, मैंने अभी दो दिन पहले इनकी फिल्म देखी, पंजाबी फिल्म माँ। अच्छा, उसमें ये माँ बनी हुई है बड़े बड़े लड़कों की, आज माँ का रूप ही अलग है। धाकड़ में क्या किरदार निभा रही हैं दिव्या जी आप? धाकड़ में मैं बिल्कुल नेगेटिव रोल कर रही हूँ, और माफिया क्वीन। कंगना आपको इतना क्यूट फेस है, इनको आपने इनको नेगेटिव रोल क्यों दे दिया? अरे मैंने नहीं दिया, मेरे डायरेक्टर ने दिया है, बट आई टेल यू जो इनका रोल है, जिस बखूबी इन्होंने वो रोल निभाया है, इट इज सच अ ग्रेट इंस्पायरिंग थिंग टू बी वर्किंग विद ग्रेट एक्टर्स लाइक दैट यार। थैंक यू सो मच। इस फिल्म की कास्टिंग तो आप सब देख ही रहे हैं, बड़े कमाल के परफॉर्मर हैं सब, अर्जुन भाई हैं, दिव्या जी हैं, कंगना है, शारिब है। शारिब आपके नाम के आगे तो हाशमी भी लगता है। हाँ। तो आपने कभी डायरेक्टर से कहा नहीं होटो से भी एक्शन करवाओ कभी? मैंने कोशिश तो की है लेकिन अभी तक किसी ने मेरी अर्जी अभी तक कबूल नहीं की। तमन्ना है आपके मन में है ऐसी? तमन्ना तो सभी की होती है। बीवी देख रही है शो। अच्छा अर्जुन भाई के बारे में एक मैंने बात नोटिस की, इन्होंने जिन फिल्मों में भी नेगेटिव रोल किए हैं, जैसे रावण, ओम शांति ओम, राजनीति और अब धाकड़, ये बड़े नेचुरल लगे हैं। अर्जुन सर आप आपको अलग से तैयारी करते हैं ऐसे रोल्स के लिए कि अंदर से शैतान है आप? पता नहीं यार कैसे हो जाता है। हाँ नेचुरल तो हूँ इसमें, मैंने ऐसे सोचा ही नहीं था। हैंडसम मैन यू आर पाजी। यार क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। शारिब आप बहुत फेमस हो चुके हैं, इतनी सारी वेब सीरीज, इतनी सारी फिल्में, और आज ये टेलीकास्ट के बाद तो आप घर घर फेमस हो जाओगे इंशाल्लाह। आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त मैं अंदर, मतलब मेरे पूरे लड्डू इतने फूट रहे हैं, और ये जब एक्टर्स आजकल आते हैं ना तो उनके जो इतने सपने होते हैं कि यार एक बार अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना है, एक बार यू नो संजय भंसाली साहब के साथ काम करना है, तो उसके साथ में एक और जुड़ गया सपना कि यार एक बार कपिल शर्मा शो में जाना है। तो एक सपना मेरा आज पूरा हुआ है। शुक्रिया पाजी आपके प्यार के लिए। आज बिठाएगा नहीं किसी को, खड़े रखेगा। I know. कई लोग मेहनत करके कमाते हैं। चल मैं भी खड़ी हो गई। सबकी किस्मत में थोड़ी ना बैठे बैठे कमाना, क्यों भाई साहब? एक बार देख चुके हम आपकी ड्रेस, बैठ जाइए आप। देखो ये आपके बैठने से खुश नहीं, आपके खड़े होने से खुश नहीं है। मैं रुड़क जाऊं? हाय अर्चना जी ऐसा ना बोलिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई और इंसान भले ही ऐसा चाहता हो, कोई पंजाब में बैठा ऐसा सोच रहा हो तो मुझे पता नहीं। ओह किसी का मैसेज आया। अच्छा क्या? अच्छा सिद्धू भाई आई विल कॉल यू लेटर। जैसे कंगना का डायलॉग है ना कि जिस्म से रूह अलग करना मेरा बिजनेस है, आपको पता है अर्चना जी मिक्स नमकीन में से बादाम अलग कर लेती हैं, और कोई रोके तो जिस्म से दांत भी अलग कर देती है। ये भी फोन करके किसी ने बताया तुझे बोलने के लिए? आपके हस्बैंड का ही आया था। कंगना आपको वैसे ज्यादा किस तरीके की फिल्में करने मजा आता है, एक्शन या रोमांस, कैसी फिल्में? देखिए सबको रोमांस ही अच्छा लगेगा, ऐसी हड्डियां कौन तोड़वाए। हाँ तो नेचुरली सी बात है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इतनी इंजरीज हो जाती है, चाहे आप सब कुछ ठीक भी करें फिर भी यू नो, तो नेचुरल सी बात है रोमांस एनी डे, और ऐसे हॉट लड़के के साथ में तो रियली रोमांस एनी डे। मेरे साथ एक्शन ही करती है, मेरी हड्डियां तोड़ रही है पिक्चर में देख लो। बट हाँ हमारा डायरेक्टर है, उसके सपने कुछ और थे और वही सपने आप देख रहे हैं। पर बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपका, बहुत बहुत बधाई।
थैंक यू. आइए प्लीज विराजमान हो जाइए. अर्जुन सर, हमने सुना है कि ये फिल्म की शूटिंग पहले थाईलैंड में होने वाली थी, वहां का शूट कैंसिल करके हंगरी में किया गया. तो प्रोड्यूसर डर गए थे कि मतलब बजट इधर उधर हो ना हो, कहीं क्रू मेंबर ना इधर उधर हो जाए. नहीं, बजट तो बढ़ गई ना. हंगरी में गए, थाईलैंड में तो सस्ते में हो जाती थी, मगर थाईलैंड में कोविड हो गया था तो फिर वहां जा नहीं. शूटिंग भी हो जाती, मसाज भी हो जाती, कितनी सारी चीजें एक जगह. अर्जुन सर, वैसे आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया, कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुदापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है. यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो, तो बुदापेस्ट. अच्छा, नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको. बहुत अफोर्डेबल है. मैं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर 3 फिल्म और साइन करनी पड़ती है. अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं. अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, कहाँ से सुना है? अरे कहीं लोगों ने सुना है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के. अरे नहीं नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, यू नो, जो इंडियन वहां पर हो उस टाइप के. कैब वाले का रोल नहीं देने वाले, वो वाले यहां आते हैं सर. हां नहीं नहीं, वो अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं. अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए. पहले ले लेना, इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे. अच्छा, अरशद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे. फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें भी ये थे. हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट. कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपुन ही छिट करता है सब कुछ? अरे नहीं है? ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूँ. ये तो सारे ही चाहते हैं. हाँ. और मैं चाहता हूँ, फिर हम टीवी पे आ जाते हैं. मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से. और बिल्कुल, आप सब लोग कमाल के परफॉर्मर्स हैं. वाह, आज अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे रही है तू. पूरा बोल, मैं चोर. हाँ हूँ मैं चोर, लाखों करोड़ों लड़कों का दिल चुराया है इस बुरी ने. खुश. हाय हाय अर्जुन सर. हेलो हेलो कंगना मैम. आई एम वेरी गुड. हेलो दिव्या मैम. हाय, सो गुड टू मीट यू. पता है, मैं एक्चुअली आपका वेलकम बहुत अच्छे से करना चाहती थी, लेकिन एक सिचुएशन आ गई है. वो मेरे होटल में, ये मेरा होटल है चिल पैलेस, चोर घुसाया है. चलो कोई तो घुसा, नहीं तो इसमें कस्टमर कोई आता ही नहीं है. सर, आप मेरी मदद कर दीजिए. 5-10 रुपए से ज्यादा नहीं करना, बस. मुझसे पंगे मत लो कप्पू, क्योंकि मैं भी ना बिल्कुल कंगना मैम की तरह धाकड़ हूँ. ओके, छठी का दूध याद दिला दूंगी तुम्हें. जिस भी देवी देवता को मानती है उस पर हाथ रख के कसम खा, छठी क्लास के बाद तूने दूध का मुंह देखा? दूध भी तुम लोग मिलावट वाला पीते हो. उस दिन दूध पे मलाई आ गई, कहती हूँ माय गॉड, दूध के ऊपर टिश्यू पेपर कौन रख गया? फालतू बातें कर रहा है. हमारा तो खानदानी तबेला है, दादाजी के 12-12 भैंसे थी. सारी भैंसे 12 की 12 काम पे लग गई है, वेली घूम रही इधर. आ गई है. मेरे आती कबू, तुम कैसी बातें कर रहे हो? कम से कम ग्लैमर की रिस्पेक्ट कर दो. कम से कम ही बनती है, मैं कर रहा हूँ. और कितनी करूँ रिस्पेक्ट मैं? कपूर शर्मा, मेरे हुस्न की कदर उनसे पूछो जो मेरे हुस्न के दीदार में बड़ी बड़ी गाड़ियां रोक देते हैं. देखो, टोल प्लाजा पे तुम काम करती हो, गाड़ियां रुकेंगी, उसमें ऐसा कोई नहीं है. और ये लंबे लंबे पॉज मत लिया करो, मैं एडिट में सब कटवाऊंगा. इतनी फुटेज ले जाते हैं ना ये, इनको पता है डायलॉग तो हमारे कट सकते हैं, ये पॉज लेके जानबूझ के जगह बदलती है, एडिटर काट ना पाए. नॉर्मली एपिसोड को कंप्यूटर पे काटते हैं, जब इनका रोल आता ना बड़ी वाली माली वाली कैंची लेते हैं खड़ा. किस चीज को लेके शुरू हो गए? मैंने गाइस आप लोग का ट्रेलर देखा फिल्म का, एंड इट इज सो अमेजिंग, इतना मजा आया देख के. और मैम आपका वो डायलॉग, जिस्म से रूह अलग करना बिजनेस है मेरा, दैट्स माय फेवरेट लाइन. अपना वाला सुना कि बालों से जुए अलग करना बिजनेस है मेरा. मेरे को बोलती रहती मैं ना कंगना से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ हमेशा. आई सामने बोलना.
बट मैं और मेरी फैमिली आपकी फिल्मों से बहुत इंस्पायर्ड है, वो सच है। आपकी लाइफ में मेट्रो आई थी ना, उसके बाद से सारी फैमिली मेट्रो में शिफ्ट हो गई, पता है? कोई पत्थर बजा के गाने गा रहा है, कोई पेन बेच रहा है, दे आर वेरी इंस्पायर्ड। मतलब वो लोकल का टीटी यही है, तो इसी को पता है ना मेरी फैमिली क्या कर रही है। फिर कहती मुझे पंच नहीं देते, देते तो तू सही खराब कर देती है। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मैं भूल चुकी हूँ कि चोर है मेरे होटल में, कुछ करोगे तुम? अरे चोर चोर चोरी ये चाहिए, पकड़ो ना तुमको। हेलो गाइस, हेलो हेलो, कैसे हैं आप? चंदू तुम? और क्या, तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारे होटल की चादरों में से ब्रेड पिट बाहर आएगा? ब्रेड के चक्कर में रोज पिटने वाले इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होटल में चोरी करने की? दूसरा पंच तुमने खराब किया अब। हाँ, ब्रेड पिट। ओए सुनो, खड़े होके तेरे को पता, बड़े बड़े लोगों से बात नहीं करनी, कंबल बिछा इधर लेट आराम से। चोरी नहीं कर रहा होगा ये, धुलने के लिए लेके जा रहा होगा, धो के वापस दे देगा। पिछले 5 एपिसोड में मैं कुछ ना कुछ धो ही रहा हूँ, पता नहीं इतना गंदा करके कौन जाता है। कपू शर्मा भूरी बीच में मत बोलना, अभी गैस से मेरे को बात करने दो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? गाइस के बारे में तेरे को किसने बताया? गाइस भी कोई वर्ड होता है? दिव्य जी, आपको पता है आप में और मुझ में बड़ी सिमिलैरिटीज हैं। कौन? आपने इंडस्ट्री में एक अलग नाम बनाया, मैंने एक अलग मुकाम बनाया। मकान तेरे से बन नहीं रहा क्या? ये आपको पता, फुटपाथ पे सोता है, मेट्रो का काम चल रहा ना, आगे बोर्ड लगा रहा था ना, काम चालू है, उसके बिल्कुल पीछे इसका बेडरूम है। उस दिन कोई बोर्ड उठा के ले गया तो कहता है यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा कोई लैंडमार्क उठा के ले गया। जा यार। तो कपू शर्मा, चंदू अपने आप में एक ऐसा एड्रेस है जिसको लैंडमार्क की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। हाँ कपू शर्मा, प्लीज गैस से बात करना। अर्जुन सर, आपको पता है मार्केट में आजकल मेरी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यू नो व्हाई? व्हाई? मैं बताता हूँ क्योंकि उसका कारण है सर, जो आपकी फिल्म आई थी ना नेल पॉलिश, वो पहले मुझे ऑफर हुई थी। फिर इसने कहा कि नेल पॉलिश नहीं मैं करूंगा, बूट पॉलिश मेरा ठीक है, कैश पेमेंट आती है। फिर इसने मना कर दिया था। सर उसमें पैसे मिलते हैं कैश, तो इधर मिल रहे थे चेक से, तो उसका टीडीएस कट जाना था, फिर वो मैंने कहा नहीं। ओ कैश चेक छोड़ो इसको, तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई चोरी करने की? कोई चोरी नहीं कर रहा था तुम्हारे होटल में मैं। कंगना जी चक्कर पता क्या है, इसने मेरी दुकान से 500 रुपए का सौदा लिया था, मेरे पैसे इसने दिए नहीं, बस उसका हिसाब किताब बराबर करने के चक्कर में मैंने इसका सामान उठाया। तूने उसका 500 रुपए के चक्कर में तकिया चादर उठा लिया, तेरा जब सोनी हिसाब करेगा लाखों का, तेरे तो डैडी को उठा के ले जाएंगे वो। ये और डैडी नहीं उठाएंगे, सोनी वाले पेन उठाएंगे और चेक पे साइन करेंगे और बोलेंगे चंदू अमाउंट भर लो। अरे यार सामान उठाने की क्या जरूरत थी, पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। और तुम तो खुद लोगों से रुपया रुपया मांगते, तुमसे क्या मांगता मैं? कंगना जी आपको पता मैं इसको बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन जब ये मुझे ना करते मेरे को जहर जैसी लगती है ये। घोल के पी जाओ। ओ मेरी बात सुनो, रुको कंगना जी, इसको बोलो जहाँ तो मेरा 500 रुपये वापस कर दे, जहाँ मेरे साथ शादी करके दुकान की मालकिन बन जाए। इसका दिमाग दिमाग खराब हो चुका है, इससे शादी करूंगी मैं? यार मेरे लिए कोई अर्जुन रामपाल जैसा आएगा। ओए मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए को रामलाल जैसा है वो बहुत बड़ी बात है, और जो रामपाल जैसा आ जाए तो सोच समझ के बात किया करो। मेरे पैसे वापस करो वरना। वरना क्या 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 कर लोगे तुम, बोलो क्या कर लोगे? विल यू मैरी मी प्लीज? प्लीज इस वेले से करूं मैं शादी, इस वेले से? हाँ जी मैं वेला हूँ, ये सोनी टीवी में MD लगी हुई है। वो नहीं तो क्या, लग तो रही हूँ? हाँ लग रही हो बुरी, मेरी बात सुनो, वी आर बोथ वेले फॉर ईच अदर। वेले फॉर ईच अदर। हाँ और मेरी बात सुनो, मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े ऑफर आ रहे हैं आजकल। हाँ बहुत ज्यादा ऑफर आ रहे हैं, देख लो ये मेरा स्कूल का दोस्त है, ये भी 15 साल से दोस्त है, नेपोटिज्म हो रहा है कंगना। ये है सही वाला ऑफर, बड़े आते हैं इसको, दुकानों पे लिखा होता ना बाय वन गेट वन फ्री, जा कहता है बाय तो क्या ही करूंगा, जो फ्री वाला वो मेरे को दे दो। जा यार। दिव्या मैम देख रही, ऐसे जिसके हालात है, चला मेरे खानदान से रिश्ता जोड़ने। तो खानदान तो तुम ऐसे कहती हो जैसे तुम्हारे पापा के रायपुर में किले हैं। मैं बताता हूँ अर्जुन सर, इतने कंजूस हैं ये, केले के पत्तों के सर इन्होंने बेडशीट बनाई उस पे सोते हैं, और रीजन पता क्या देते हैं? सपने बड़े फ्रूटफुल आते हैं हमें जी। जुबान संभाल के बात करो, बस बहुत हो गया तुम्हारा। अच्छा जुबान भी मैं संभालूं, शो भी मैं संभालूं? क्या क्या कहा तूने? तुम कुछ ना संभालना,
क्या कहा तूने अभी? मैंने कहा जुबान भी मैं संभालूं। उसके बाद क्या कहा? मैंने कहा तुम कुछ ना संभालना। बीच में क्या बोला? देखा मेरी एक एक लाइन का ये बंदा फैन है लेकिन मानता नहीं है ये। इतना ठीक आदमी है यार, जब मैं बोलता हूँ तभी तुम सुन लिया करो ना, बिकॉज आई एम वन टेक आर्टिस्ट। वन टेक आर्टिस्ट, सारे लोग पैकअप के बाद चले जाते हैं, ये अकेला अपने पैच वर्क कर रहा होता है। ओ वन टेक आर्टिस्ट, तो जवाब दो ना, बोलो ना क्या बोला बीच में, बोलो। बीच में जू बीच में तो मैंने तुम्हें आई लव यू बोला था पूरी। मेरा पता नहीं लेकिन मेरे फैंस एक दिन तुमको जरूर जवाब देंगे। क्या कौन से फैन? मैं फैंस नहीं, वो जो चार पांच है तेरे रिश्तेदार है। फैंस फैंस क्या होता है? वो भी नहीं है, इनके घर जो सीलिंग फैन लगा ना उसका तो खुद एक पर है बेचारा, ऐसे ऐसे करके घूमता है। आपको बताओ जब वो घूमता ना ऐसे लगता है इनको लानते देके बाहर निकाल रहा है, चलो बाहर यहाँ से, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ, चलो बाहर यहाँ से। बुरी मुझे हाँ कर दो, मेरे को बड़े रिश्ते आ रहे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पता है तुम्हारे रिश्तों के बारे में कंगना मैम, लड़की वाले इसे देखने आए, इसको देखते ही वो लोग झूठ बोलने लगे कि नहीं 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 हम तो सेंसेस से आए हैं। तीसरा पंच तूने बैक टू बैक खराब किया। People don't catch my humor, what to do? इसको लड़की वाले आए ना देखने, तो इसके माता पिता कहते हैं आपने लड़का देख लिया, कहते हैं हमने तो चलो आज ही देखना है, आप रोज रोज कैसे देख लेते हैं? यार ये ले सैनिटाइजर पी ले, क्या पता तू थोड़ा अच्छा लगने लगे। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? ये तो इतनी बेवकूफ है, मैं बताऊंगा आपको दिव्या मैम, शादियां होती है ना, जब शादियां तो जीजा की जब जूते चुराते हैं तो एक रस्म होती है, फिर लड़कियां शगुन लेती हैं, इसने अपने जीजा के जूते चुराए, उसमें बाद में पॉलिश करके कहती जीजा शगुन रहने दो, पॉलिश के 20 रुपए दे दो बस। बेवकूफ मैं हूँ कि तुम हो? सर बेवकूफ ये है, लड़की को बोला कि चलो लॉन्ग ड्राइव पे जाते, लड़की ने बोला हाँ चलो लेट्स गो, उल्टा कहता है कि नहीं पैसे मैं मीटर के हिसाब से लूंगा, ये है इसकी बेवकूफी। चौथा बैक टू बैक। वाह वाह क्या हो रहा है? अब मेरी बात सुन, गाइस हो गया इसका, तू एक बार हो गया, तू एक ही बार में लाइफ टाइम अचीवमेंट ले, हमारा पीछा छोड़, इसको फिल्मों में ले जाओ कंगना जी। आई डोंट माइंड मैम, प्लीज ले लो। मैं एक और बताता हूँ जी इसकी बात, उसके बाद ले जाना इसको। ये इसको लड़के वाले देखने के लिए आए, क्या बात कर रहा है? और सही बात है, इसको देखा है, इसको देखा, इसके मुंह पर चटनी लगा दी, सभी पूछने लगे इसके मुंह पर चटनी क्यों लगाई है, कहते हैं समोसे के साथ चटनी अच्छी लगती है। ओए क्रीम रोल, चल अपना समोसा उठा निकलो यहाँ से, बहुत उसको समोसा बोला तो, समोसे में तो फिर भी आलू होता है, इसमें बेचारे में क्या है? Excuse me, मेरे में अगर कुछ नहीं ना, तुम भी कोई अर्जुन रामपाल नहीं हो, he's here, OG. ठीक है, मैं अर्जुन रामपाल नहीं, तुम तो सोनीपाल हो ना? सोनी? क्या? सोनीपाल मतलब? जिसको सोनी पाल रहा है और क्या मतलब? हाँ तो ठीक है, सोनी मुझे पाल रहा ना, कम से कम मेरा दोस्त तो मुझे नहीं पाल रहा। यार ये गलत बात है, कितनी बार कहा मैंने सच नहीं बोलना। और मेरी बात सुन, क्या तुमने दोस्त दोस्त लगा रखा है? हमारे होने वाले बच्चों का चाचू है वो। ए! दिमाग खराब हो चुका है क्या तुम्हारा? सुनो ये मेरा सब सामान वापस करो, मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी। ओके गाइस ऑल द बेस्ट फॉर धाकर, और मैम अगली बार मैं आपके साथ यहाँ बैठूंगी, फिर तुम बोलना पंचेस के बारे में। ये लाइन भी नहीं ठीक से बोल के गई। चलो भी कंबल उठाओ, ये चलो ट्रेन आने वाली है, अंधेरी स्टेशन पहुंचो फटाफट। आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई जी, जोरदार तालियां की फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।